हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी चैनल। तो हम स्टार्ट करते हैं, लेट स्टार्ट फ्रॉम कलर एंड स्पेक्ट्रा। तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक टेबल दी है कि इसमें सीरियल नंबर लिखा है, LSR लिखा है, मतलब लैबोरेटरी सिलेक्शन रूल लिखा है मैंने, SSR लिखा है, स्पिन सिलेक्शन रूल लिखा है, एप्साइलन ई ये मैंने दिया है, एप्साइलन ये मोलर कंडक्ट मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट दिया है फ्रेंड्स, और मैंने टाइप लिखा है, और तीसरा लास्ट कॉलम बनाया मैंने एग्जाम्पल का। ओके फ्रेंड्स, तो ये मेरा पहला है कि अगर लैबोरेटरी सिलेक्शन रूल अलाउड कर रहा है कोई कॉम्प्लेक्स, और स्पिन सिलेक्शन रूल भी अलाउड कर रहा है, तो उसकी जो मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट होगा वो इज ग्रेटर देन 10^4 होगा। तो वो कौन सा टाइप हो जाएगा फ्रेंड्स? चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो उसका एग्जाम्पल हो गया KMnO4। ओके फ्रेंड्स, तो और सेकंड मैंने दिया है पार्शियली अलाउड। अगर कोई लैबोरेटरी सिलेक्शन रूल अगर वो पार्शियली लैबोरेटरी सिलेक्शन अलाउड कर रहा है, मतलब टेट्राहेड्रल करेगा, ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। और दूसरा, अगर वो स्पिन सिलेक्शन रूल भी अलाउड करता है, तो क्या होगा फ्रेंड्स? उसका जो मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट होगा 300 से लेकर 800 के बीच में होगा, और वो टाइप होगा DD ट्रांजिशन। ओके फ्रेंड्स, ऊपर वाले में चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, और इसका एग्जाम्पल होगा CoCl4 2-। ओके फ्रेंड्स, CoCl4 2-। तो फ्रेंड्स, थर्ड वाला हो गया फॉरबिडन। अगर लैबोरेटरी सिलेक्शन रूल अगर फॉरबिडन हो गया, ओके फ्रेंड्स, और स्पिन सिलेक्शन अलाउड हो गया, तो उसका मोलर कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? इज लेस देन 100 हो जाएगा, और उसमें डीडी ट्रांजिशन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका एग्जांपल हो गया TiS2 6+। ओके फ्रेंड्स, अब फोर्थ आता है पार्शियली लैबोरेटरी अलाउड। अगर वो क्या बोलते हैं, पार्शियली लैबोरेटरी अलाउड है और स्पिन सिलेक्शन फॉरबिडन है, तो फ्रेंड्स उसका जो मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट बहुत कम हो जाएगा, अप्रोक्स 10 के अप्रोक्स, तो वो क्या हो जाएगा? डीडी ट्रांजिशन हो जाएगा। MnH2 6+6 का एग्जांपल है फ्रेंड्स। और फिफ्थ आता है फ्रेंड्स कि अगर स्पिन सिलेक्शन रूल भी फॉरबिडन कर रहा है और लैबोरेटरी भी फॉरबिडन कर रहा है, तो क्या होगा? उसको मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट 0.1 हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, और ये टाइप हो जाएगा डीडी ट्रांजिशन का टाइप हो जाएगा, और क्या एग्जांपल हो जाएगा इसका? K4FeCl6। ओके फ्रेंड्स, तो अगर मैं इसको कंक्लूजन देखते हैं, तो टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है फ्रेंड्स? इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि चार्ज ट्रांसफर, मैंने आपको बताया था चार्ज ट्रांसफर बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा हो जाएगी उसकी इंटेंसिटी। अब इनके एग्जाम्पल जो दिए हैं, इनको मतलब समझते हैं कि कैसे क्या हो रहा है। तो अगर मैं पहले एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ KMnO4 में, तो यहाँ पर Mn++7 में हो गया फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, ये समझने की कोशिश करते हैं कि चार्ज ट्रांसफर हो कैसे रहा है फ्रेंड्स। तो KMnO4 का अगर मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, KMnO4, ओके फ्रेंड्स, तो मैग्नीज इसमें +7 में हो जाएगा, +7 का मतलब हो गया D0। ओके फ्रेंड्स, अगर D0 है तो इसका मतलब फ्रेंड्स इसमें क्या हो रहा है फ्रेंड्स, यानी आपका हो गया, यानी ये हो रहा है चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, इसका मतलब D0 हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो यानी ऑक्सीजन O2- हो गई, 4O2- हो गई, और ये Mn+7 हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो ये D0 हो गया और ये P हो गया, तो क्या हो रहा है फ्रेंड्स? P से D में ट्रांजिशन हो रहा है, यानी चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, यानी ये अगर हम कहें तो अनजिराड से जिराड में ट्रांजिशन हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो अगर ये कंडीशन होती है तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसके लिए Δl की वैल्यू क्या हो जाएगी? +-1 हो जाएगी फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो क्या हो गया? एल क्या हो गया? लैबोरेटरी अलाउड हो गया, और स्पिन सिलेक्शन रूल में क्या होगा? Δs को 0 हो गई फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि Mn+7 है, D0 है, तो पहले भी 0 हो जाएगा और बाद में भी 0 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये लैबोरेटरी अलाउड हो गया और स्पिन अलाउड हो गया, तो क्या हो गया फ्रेंड्स? KMnO4 इसका एग्जाम्पल हो गया, ये मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया। ओके फ्रेंड्स, अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम, ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा हम एग्जांपल ले रहे हैं CoCl4 2-। ओके फ्रेंड्स, CoCl4 2- मैंने एग्जांपल लिया है, तो अब ये पता करते हैं कि इसमें कैसे पार्शियली लैबोरेटरी अलाउड हो रहा है और स्पिन अलाउड कैसे हो रहा है। तो CoCl4 में अगर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं, तो ये क्या आएगी? +2 आ जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो +2 का मतलब हो गया आपका D7 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर मैं इसका ये ड्रॉ करता हूं, ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो ये +2 में है, तो क्या हो जाएगा? हाई स्पिन हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके फ्रेंड्स, ये D7 हो गया आपका। तो अब क्या हो रहा है फ्रेंड्स? इसमें DD ट्रांजिशन ही होगा। ओके फ्रेंड्स, DD ट्रांजिशन होगा,
डिग्री ट्रांजिशन हो जाएगा फ्रेंड्स। बट फ्रेंड्स इसमें क्या हो रहा है, ये टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं अगर टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है तो इसमें पार्शियली लेपोर्टे अलाउड हो जाएगा। तो क्या होगा फ्रेंड्स, इसमें पीडी मिक्सिंग हो जाएगी, पीडी मिक्सिंग हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, अगर पीडी मिक्सिंग हो जाती है तो क्या हो जाता है, एलपीए हो जाता है, पार्शियली लेपोर्टे अलाउड हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये पार्शियली लेपोर्टे अलाउड होगा। ओके फ्रेंड्स, तो अगर मैं इसको हीट अप करता हूं, अगर मैं इसमें एचएनयू डालता हूं फ्रेंड्स, तो क्या होगा, इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स जंप होंगे, एक दो तीन, एक दो, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका, ये इधर चले आएगा, ये इधर चले आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो कहने का मतलब ये, अगर मैं इसमें स्पिन सिलेक्शन रूल अगर मैं लगाना चाहता हूं तो इसमें देखते हैं फ्रेंड्स डेल्टा एस की वैल्यू क्या होती है, सॉरी एस क्या हो रहा है फ्रेंड्स, अगर इसका स्पिन देखते हैं तो ये क्या होगा, प्लस हाफ, ये प्लस हाफ, प्लस हाफ, प्लस हाफ, तो क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब अगर इसमें चेक करता हूं, एक दो तीन, तो इसमें भी प्लस हाफ 3/2 हो रहा है, प्लस हाफ, प्लस हाफ, प्लस हाफ, तो 3/2, तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी फ्रेंड्स, जीरो हो जाएगी। तो अगर डेल्टा एस की वैल्यू जीरो होती है तो वो क्या होता है, स्पिन सिलेक्शन रूल को फॉलो करता है। ओके फ्रेंड्स, तो स्पिन सिलेक्शन, तो इसका मतलब हमारा ये आ गया, स्पिन सिलेक्शन रूल अलाउड कर रहा है और ये पार्शियली अलाउड कर रहा है, तो इसमें डीडी ट्रांजिशन हुआ और COCl4 इसका एग्जाम्पल हुआ। ओके फ्रेंड्स, तो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं, क्या हो रहा है, TiH2O का होल 6 2+ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल TiH2O होल 6 2+ हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो टाइटेनियम है ना, स्कैंडियम टाइटेनियम, तो ये D2 हो गया फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, ये D2 है, तो ये 1 2 3 4 5, तो अगर मैं इसको तोड़ता हूं T2G, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें डीडी ट्रांजिशन हो ही रहा है, डीडी ट्रांजिशन है। ओके फ्रेंड्स, डीडी ट्रांजिशन है, तो क्या होगा फ्रेंड्स, ये लेपोर्टे फॉरबिडन हो जाएगा, क्योंकि डीडी ट्रांजिशन है, डेल्टा एल की वैल्यू जीरो आएगी। ओके फ्रेंड्स, अब अगर मैं इसको एचएनयू डालता हूं तो फ्रेंड्स क्या होगा, 1 2 3, तो फ्रेंड्स एक इलेक्ट्रॉन कूदता हुआ ऊपर चले जाएगा ये फ्रेंड्स। तो इसमें देखो, अगर एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो गई, प्लस हाफ, प्लस हाफ, 1 हो गया, और इसमें एस की वैल्यू भी 1 है। ओके फ्रेंड्स, तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो स्पिन सिलेक्शन हो गया, स्पिन अलाउड हो गया, तो स्पिन अलाउड है और लेपोर्टे क्या हो गया, फॉरबिडन हो गया, लेपोर्टे फॉरबिडन हो गया। इसमें इसमें आपका पीडी मिक्सिंग नहीं होगी, वो टेट्राहेड्रल कंपाउंड नहीं है, तो ये क्या हो गया, डीडी ट्रांजिशन का TiH2O का होल 6 इसका एग्जांपल हो गया फ्रेंड्स। एक बात और ध्यान रखना फ्रेंड्स, अगर मैं HNU डालता हूं तो HNU में इतनी पावर नहीं होती कि वो इलेक्ट्रॉन का स्पिन चेंज कर सके। ओके फ्रेंड्स, अगर मैं हीट अप करता हूं तो स्पिन चेंज हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं MnH2O का होल 6 2+। ओके फ्रेंड्स, तो Mn हो गया, अब ये प्लस 2 में है, Mn प्लस 2 का मतलब हो गया फ्रेंड्स D5 हो गया, तो D5 का मतलब हो गया आपका, तो अगर मैं इसका, तो D5 है, इसका मतलब डीडी ट्रांजिशन है, डीडी ट्रांजिशन है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, डीडी ट्रांजिशन है, इसका मतलब आपका लेपोर्टे फॉरबिडन होना चाहिए, बट ये टेट्राहेड्रल कंपाउंड है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो पार्शियली लेपोर्टे अलाउड हो जाएगा, कि पीडी मिक्सिंग हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्या हो जाएगा, पीएलपी हो जाएगा, पार्शियली लेपोर्टे अलाउड। ओके फ्रेंड्स, अब ये प्लस टू में है, यानी D5 है, अगर मैं इसका T2G और EG के रूप में बनाता हूं तो D5 हो गया, 1 2 3 4 5। ओके फ्रेंड्स, अब मैं HNU डाल रहा हूं फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, तो HNU डालने से स्पिन मुझे चेंज करना ही पड़ेगा फ्रेंड्स। अब मेरे पास कोई चारा नहीं है कि मैं स्पिन चेंज ना करूं, अब यहां पर मेरी मजबूरी है, तो स्पिन चेंज करना पड़ेगा, तो एक कूदता हुआ क्या कहां चले जाएगा फ्रेंड्स, यहां चले जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो अगर इसमें एस की, एस क्या है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ क्या हो गया, एस क्या है, 5/2 है, बट यहां पर क्या हो गया, 1 2 3, तो ये क्या हो गया, एस 3/2, तो डेल्टा एस की वैल्यू जीरो नहीं आएगी फ्रेंड्स। ओके, अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो ये स्पिन सिलेक्शन रूल फॉलो नहीं होगा, मतलब स्पिन फॉरबिडन हो गया, तो D5 स्पिन फॉरबिडन हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया फ्रेंड्स, स्पिन फॉरबिडन हो गया बट पार्शियली लेपोर्टे अलाउड है, तो इसकी क्या होगी, मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट अप्रोक्स 10 आएगी, और ये इसका एग्जांपल हो गया, और इसमें डीडी ट्रांजिशन तो हो ही रहा है। ओके फ्रेंड्स,
चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड्स हम। फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल है K4FeCN6। ओके फ्रेंड्स, तो K4FeCN6 में K4FeCN6। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें साइनाइड की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है यहां पर आपकी +2 में है साइनाइड, और क्या है फ्रेंड्स स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो क्या होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो लो स्पिन हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो क्या करा देगा पेयरिंग करवा देगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 D6 में है और ये फ्रेंड्स D6 में है, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें सिंपल वही बात, डीडी ट्रांजिशन हो रहा है मतलब, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा आपका लेपोर्टे फॉरबिडन हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, लेपोर्टे फॉरबिडन होगा अगर मैं इसमें एच न्यू डालता हूँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पर एस की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, 0 क्योंकि सारे पेयर्ड है। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 ये कूदता हुआ इधर आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर एस यहाँ पर भी 0 है क्योंकि एक की पैरेलल स्पिन है तो दूसरे की एंटी पैरेलल स्पिन है, तो ये क्या हो गया स्पिन 0 हो गया, तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी फ्रेंड्स, 0 होगी, यानी स्पिन अलाउड हो गया। ओके फ्रेंड्स, हाँ स्पिन अलाउड हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो ये स्पिन अलाउड हो जाएगा, एक मिनट फ्रेंड्स, ये +1/2 हो गया, एक मिनट। हाँ तो फ्रेंड्स सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, हाँ तो फ्रेंड्स देखिए इसमें ये भी स्पिन अलाउड हो गया। ओके फ्रेंड्स, स्पिन अलाउड हो गया, तो फ्रेंड्स ये स्पिन अलाउड हो रहा है और आपका क्या हो रहा है लेपोर्टे फॉरबिडन हो रहा है, तो ये थर्ड वाले का एग्जांपल हो गया। ओके फ्रेंड्स, स्पिन यहाँ पर लेपोर्टे फॉरबिडन, स्पिन अलाउड। ओके फ्रेंड्स, तो ये K4FeCN6 इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, और ये जो ये होता है ना लेपोर्टे फॉरबिडन और स्पिन फॉरबिडन, ये बहुत रेयर होता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसको यहां से मिटो देते हैं फ्रेंड्स, ठीक हो गया फ्रेंड्स। तो ये मैंने एग्जांपल आपको कराए हैं इनसे रिलेटेड कि कौन कौन सा लेपोर्टे सिलेक्शन को रोल को फॉलो करेगा और लेपोर्टे अलाउड कौन सा होगा, स्पिन अलाउड कौन सा होगा। ओके फ्रेंड्स, तो एट लास्ट कंक्लूजन ये निकलता है कि हमें कैसे पता लगे कैसे क्या हो रहा है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखना है कि D10 अगर कोई कॉम्प्लेक्स D10 और D0 है तो चार्ज ट्रांसफर होगा। ओके फ्रेंड्स, चार्ज ट्रांसफर होगा यानी LMCT होगा। ओके फ्रेंड्स, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। अगर कोई कॉम्प्लेक्स D1 से D4 है तो DD ट्रांजिशन होगा ऑक्टाहेड्रल में, और अगर वो टेट्राहेड्रल है तो उसमें वो PD मिक्सिंग हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, अगर D6 से D9 वही सेम कंडीशन, DD ट्रांजिशन होगा, और D5 ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, D5 में स्पिन फॉरबिडन हो जाएगा, और स्पिन फॉरबिडन अगर होता है तो रिलैक्सेशन नहीं मिलता। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम कुछ एग्जांपल, कुछ ये लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो नेट और गेट में आए हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो फिर देखते हैं हम क्या हमारा ये निकलता है। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन ये है कि पहले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि गेट में आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि VO4 की वेनेडियम VO4-3- और CrO4-2- MnO4- आयन एग्जिबिट्स इंटेंस LMCT हो रहा है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, ये हो रहा है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर LMCT। The wavelength of this transition follow, तो मतलब wavelength बताना है हमें, ये पता है कि energy, जो energy का order है friends, वो inverse relation होता है wavelength के। Okay friends, कि जितनी ज्यादा wavelength होगी उतनी कम उसकी energy होगी। Okay friends, तो अब देखिए friends हमें charge transfer कैसे पता लगेगा, या तो ये पूरे D0 में होंगे। Okay friends, अगर हम इसका oxidation state निकालने की कोशिश करते हैं तो vanadium है, oxygen O4- हो गया तो 2 हो गया तो 8 हो गया, उधर जाके प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, वेनेडियम +5 में आ जाएगा, क्रोमियम +6 में आ जाएगा और मैंगनीज +7, मतलब सबकी D0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो अब हम अगर इसका MOT डायग्राम ड्रॉ करते हैं, MOT। ओके फ्रेंड्स, तो मेटल अब यहाँ पे क्या हो रहा है फ्रेंड्स, मेटल चेंज हो रहा है और ऑक्सीजन सेम है, तो ऑक्सीजन सेम है तो इसका O4 ये नीचे आ जाएगा फ्रेंड्स। अब मेटल की बारी, अब क्या हो रहा है यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है, मतलब जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ रही होगी, तो मैग्नीज कहाँ आ जाएगा फ्रेंड्स, नीचे आ जाएगा। मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ कि जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो नीचे रखे जाते हैं क्योंकि उनमें लेस एस कैरेक्टर आ जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो मैग्नीज यहाँ पर लिखा जाएगा, फिर क्रोमियम यहाँ, फिर ये वेनेडियम यहाँ। तो अगर ये गैप की बात करते हैं तो फ्रेंड्स देखिए, तो जो चार्ज ट्रांसफर होगा फ्रेंड्स, ये ऑक्सीजन मैग्नीज को देगा, ये इधर देगा। ओके फ्रेंड्स, ये वेनेडियम को देगा, ठीक है फ्रेंड्स।
तो ये क्या हो रहा है, ये स्पेशली क्या है, ये डेल्टा का ही गैप है, ये जो डेल्टा का गैप है मतलब एनर्जी का गैप है, तो इसमें क्या है एनर्जी सबसे कम है, मतलब एनर्जी का गैप सबसे कम है, तो इसकी क्या हो जाएगी लैम्डा सबसे ज्यादा हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो मैग्नीज ये हो गया, तो आपका क्या हो गया, इन दो में क्या है मैग्नीज की सबसे ज्यादा लैम्डा है मतलब वेवलेंथ है, और इसकी आपकी वेनेडियम की क्या हो जाएगी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, मतलब डेल्टा का गैप सबसे ज्यादा हो गया तो वेवलेंथ सबसे कम हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो इसका क्या एग्जांपल, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, वेनेडियम। ओके फ्रेंड्स, कि जितना ज्यादा डेल्टा का गैप उतनी ज्यादा एनर्जी और उतनी कम वेवलेंथ। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट ये नेट का क्वेश्चन आया है, सेकंड क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब ये क्या कह रहा है, सीडीएस और एचजीएस और बीआईआई3 आर कलर्ड ड्यू टू, अब ये कह रहा है कि ये तीनों कंपाउंड ये कलर्ड है, इसका रीजन बताना है कि क्या हो रहा होगा इसमें, एलएमसीटी हो रहा होगा या डीडी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है या एमएलसीटी हो रहा है या कॉम्बिनेशन हो रहा है मेटल लिगेंड या लिगेंड मेटल ट्रांजिशन हो रहा है। तो देखते हैं, अगर सीडीएस की बात करते हैं तो ये क्या है फ्रेंड्स, जो जिंक है मतलब ये D10 हो गया, तो ये क्या हो गया जिंक कैडमियम Hg होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये +2 में है, तो यानी इनके पूरे भरे हुए हैं ऑर्बिटल्स, तो ये D10 हो गया, ये क्या हो गया फ्रेंड्स 4D10 हो गया, ये अगर मैं कैडमियम की बात कर रहा हूँ तो 4D10 हो गया। ओके फ्रेंड्स, अगर Hg की बात कर रहा हूँ तो ये 5D10 हो गया, और अगर बिस्मिथ की बात कर रहा हूँ तो ये भी पूरा फिल्ड ऑर्बिटल है, तो इसमें क्या होगा, मैंने बताया अगर D10 हो या D0 हो तो लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांजिशन होगा, तो क्या होगा लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांजिशन। ओके फ्रेंड्स, LMCT हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें एक ही ऑप्शन बचता है जो कि ए ऑप्शन है कि लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ओके फ्रेंड्स, अब थर्ड क्वेश्चन हम करते हैं फ्रेंड्स, जो कि गेट में आया हुआ है, कि आप ये बताना है इन फर्स्ट रो हाई स्पिन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस M H2O6 Cl2 विद D5 एंड D7 मेटल आयंस दे रखे थे, DD ट्रांजिशन बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम देखते हैं कि फर्स्ट रो ट्रांजिशन है, यानी पहली रो है 3D सीरीज है, तो M H2O6। ओके फ्रेंड्स, तो Cl2 का अगर मैं हटा देता हूं तो ये क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, यानी मेटल जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ओके फ्रेंड्स, पर D5 और D7 मेटल आयंस है, यानी D5 और D7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो D5 किसके लिए होती है फ्रेंड्स, मैग्नीज के लिए होती है। ओके फ्रेंड्स, और D7 अगर मैं बात करता हूं तो कोबाल्ट के लिए होती है, यानी +2 में। ओके फ्रेंड्स, तो अब ये कह रहा है कि क्या कौन से डी ट्रांजिशन होंगे, स्पिन फॉरबिडन होंगे फॉर बोथ, स्पिन अलाउड फॉर बोथ, स्पिन फॉरबिडन फॉर D5 एंड स्पिन अलाउड फॉर D7। तो फ्रेंड्स, मैं अभी आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो D5 कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, स्पिन फॉरबिडन हो जाता है। जैसे हम देख लो मैग्नीज हो गया फ्रेंड्स, तो ये D5 कॉन्फ़िगरेशन है मैग्नीज की। तो फ्रेंड्स देखते हैं, अगर ये T2G हो गया, ये EG हो गया, ये 1, 2, 3, 4, 5 HNU डाला फ्रेंड्स मैंने, तो फ्रेंड्स मेरी मजबूरी है कि मुझे स्पिन चेंज करना ही पड़ेगा, तो ये हो गया फ्रेंड्स। तो अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, तो 5/2 इसकी वैल्यू होगी। अब यहां पर 1, 2, 3, तो 3/2, यानी डेल्टा इसकी वैल्यू 0 नहीं है, यानी स्पिन फॉरबिडन हो गया। तो हमारा क्या हो गया, स्पिन फॉरबिडन फॉर D5। अब अगर स्पिन अलाउड, अब D7 की बात करते हैं हम, अगर मैं यही बात मैं D7 की बात करता हूं मतलब कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स के लिए करता हूं, तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके फ्रेंड्स, HNU डाला मैंने, तो फ्रेंड्स देखिए ये वाला इलेक्ट्रॉन कूद के यहां जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5। तो फ्रेंड्स, अब अगर मैं S की बात करता हूं तो 1, 2, 3, यानी S 3/2 हो गया फ्रेंड्स, और इसमें 1, 2, 3, तो इसमें भी S 3/2 है। ओके फ्रेंड्स, तो डेल्टा S की वैल्यू क्या होगी फ्रेंड्स, 0। अगर डेल्टा S की वैल्यू 0 हो जाती है तो स्पिन अलाउड हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो D7 क्या हो गया, स्पिन अलाउड। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, थर्ड ऑप्शन सही हो गया, कि ये कह रहा है स्पिन फॉरबिडन फॉर D5 और स्पिन अलाउड फॉर D7। ओके फ्रेंड्स, तो ये कुछ एग्जांपल कुछ क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराए हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लास्ट तक जरूर देखना, और प्लीज लाइक करना वीडियो को, और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसी लगी वीडियो। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके फ्रेंड्स।